बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्टार्ट कहाँ से लें, या बहुत से लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजिंग होती है कि कौन से सॉफ्टवेयर से हम स्टार्ट लें, कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखना स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़ देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वैसे तो दो ही सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, लेकिन कोरल ड्रॉ, इन पेज, ये जो है ये पाकिस्तान, इंडिया, इनमें ज़्यादातर चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ये भी एडोबी के ही सॉफ्टवेयर हैं। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर से हम शुरू करें और कौन कौन से सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर मेरी नज़र में वो बंदा है जिसने ये दो सॉफ्टवेयर सीख लिए हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये बेसिकली टूल्स हैं आपके। जैसे एक गाड़ी का मैकेनिक होता है, उसके पास सारे औजार होते हैं, लेकिन वो मैकेनिक नहीं कह सकता आपको जब तक उसे गाड़ी का काम प्रॉपर तरीके से करना ना आए। ठीक इसी तरह हमारे पास ये एडोब फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इन पेज, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर हमें ये यूज करना आते हैं, हम अपने आप को डिजाइनर नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो काम किया जाता है वो किसी फील्ड में या किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में बैठकर ही समझ आता है। तो आप ऑनलाइन इस तरीके से अगर सॉफ्टवेयर सीख भी लेते हैं तो आप अपने आप को डिज़ाइनर नहीं कह सकते। कह लें कि सही, पहले अपने आप को रगड़ा लगाना पड़ता है किसी भी ऑफिस जाकर या ऑनलाइन किसी फील्ड में किसी बंदे से काम लेकर। सॉफ्टवेयर सीखने से आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते, पहली चीज। मर्जी आपकी, आप जिस भी सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करें, टूल्स हैं सारे, आप कोई भी टूल्स हाथ में लेके घूमें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर पहले कौन सा बेहतर रहेगा, आप इलस्ट्रेटर से स्टार्ट ले लें, उसके बाद आप फोटोशॉप सीख लें। जब आप इस टूलों में मास्टर हो जाएं, आपको ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर दोनों समझ आ जाएं, फिर आप इन पेज या कोरल ड्रॉ सीख लें। ये जो एडोबी प्रीमियर प्रो है, ये वीडियो एडिटिंग के लिए है। वीडियो एडिटिंग अलग फील्ड है, अक्सर लोग ग्राफिक डिजाइनर के साथ प्लस वीडियो एडिटर भी मांगते हैं कि भाई आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए। अक्सर एडोबी आफ्टर इफेक्ट ये एनिमेशन के लिए सॉफ्टवेयर है, अक्सर लोग ये भी रिक्वायर्ड करते हैं कि भाई ये भी आपको आना चाहिए। ये वीडियो एनिमेशन अलग है, वीडियो एडिटिंग अलग है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलग है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, वो भी सीख लें, एक टूल है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप कंप्लीट तभी अपने आप को कह सकते हैं जब आपने कोई भी फील्ड हो उसका रगड़ा किसी भी कंपनी, ऑफिस या किसी जगह बैठ के साल, दो साल, तीन साल काम किया हो, तो आप अपने आप को कुछ कह सकते हैं कि हाँ मैं काम जानता हूँ। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख के आप अपने आप को ना डिज़ाइनर कह सकते हैं, ना वीडियो एडिटर कह सकते हैं, ना एनिमेटर कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये कन्फ्यूजिंग दूर होगी कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्टार्ट कहाँ से लगें, शुरू कैसे करें। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जैसे लोगो डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद कंप्लीट उसकी ब्रांडिंग होती है, पोस्टर डिज़ाइनिंग होते हैं, बैनर डिज़ाइन होता है, इलस्ट्रेशन डिज़ाइन होता है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।